अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साकिब अवान, इनेबलर्स ट्रेनर एंड कंसल्टेंट के भी। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई मैं आपको यूके वैट के बारे में इंफॉर्मेशन दूं कि भाई यूके में जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, उसकी स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने आप लोगों को ब्रीफिंग देनी है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो अब यूके में जो टैक्स है, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस है 25 पाउंड, ठीक है। मैं यहाँ पे एनोटेशन ऑन कर देता हूँ ताकि आपको मेरा माउस नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास सेलिंग प्राइस जो है वो 25 पाउंड है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, बट इस वीडियो को आप 2 से 3 दफ़ा देखेंगे ना तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस है हमारे पास 25 पाउंड और सोर्सिंग प्राइस है हमारे पास 10 पाउंड, ठीक है। पहली स्कीम है कि भाई हम लोग वैट रजिस्टर नहीं होते तो क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। अभी जस्ट इस रो को देखें जो फर्स्ट वन है, ठीक है। अब मैं जो हूँ वो 0% वैट प्रेशर हूँ, मैंने कोई अभी मैंने न्यू कंपनी बनाई है, मैंने न्यू सेलिंग स्टार्ट किया है और मैं जो हूँ किसी भी वैट की स्कीम्स के ऊपर रजिस्टर नहीं हुआ। सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 25 पाउंड। अमेजोन जो आपसे टैक्स लेगा जो कि होगा 20%, वो आपका FBA एंड रेफरल फी पे होगा। अब FBA फी इस प्रोडक्ट की कितनी है 2.49 एंड रेफरल फी कितनी है हमारे पास 0.25। इन दोनों को आपने प्लस किया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.20 से जो कि है 20%, और वो आपका बना 0.748। मतलब कि अगर आपके पास $10 प्रॉफिट है, ठीक है, 10 पाउंड प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे देखें, अब लेट सपोज मेरे पास, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 पाउंड प्रॉफिट है, तो मैं कितना वो करूँगा, मेरा माइनस कितना होगा 0.748, ठीक है, तो 9.2 जो है वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, टैक्सेस वगैरह को निकाल के। अब आप लोगों ने ये जो है ये तो आपकी सेलिंग के ऊपर हो गया ना कि भाई आप लोग जब सेल करेंगे, लेकिन जब आप किसी होलसेलर से बाय करते हैं, मतलब यूके का ही अगर होलसेलर हो, तो वहाँ पे भी आप टैक्स देते हैं जो कि होता है 20%, वो आप होलसेलर या सप्लायर को देते हैं। अगर आप लोग पीएल कर रहे हैं तो आप लोग जो है उधर चाइना से सोर्सिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप होलसेल कर रहे हैं या रैपिड लॉन्च कर रहे हैं तो उस टाइम आपको वहाँ यूके के होलसेलर्स को टैक्स देना पड़ता है जो कि होता है 20%। तो 10 पाउंड जो थी वो मेरी सोर्सिंग प्राइस थी, इसके ऊपर मैंने 20% जो है वो मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, ठीक है। अब मेरे ऊपर जो टोटल टैक्स है वो 2 + 0.748, तो 2.748 जो है वो टोटल मेरे ऊपर टैक्स आएगा जो कि मैं 0% पे रजिस्टर होऊंगा तब, मतलब मैं 0% पे, मतलब कि मैं रजिस्टर ही नहीं होऊंगा तब मुझे ये टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस और सोर्सिंग प्राइस पे, ठीक है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, बाकी आप लोग अपना कैलकुलेट कर लें। अब 7.5% वैट इस जो फ्लैट स्कीम है इसके ऊपर हम लोग अगर रजिस्टर होते हैं तो हमारे सेलिंग प्राइस 25 है। अब ये देखें कि भाई आपसे जो टैक्स है वो अमेजोन FBA या रेफरल फी के ऊपर नहीं काट रहा, अब आपसे 25 जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर आपसे काट रहा है 7.5% ऑफ वैट, ठीक है, जो कि है 1.75। और उसी तरह आपने सोर्सिंग प्राइस के ऊपर भी अगर आप होलसेल या रैपिड लॉन्च कर रहे हैं, पीएल कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो टोटल टैक्स आएगा वो 3.875 आएगा। ये आपका 7.5% पे वैट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप 20% वैट पर रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग करते हैं, मतलब ये वाला रिकमेंडेड होता है कि आप पीएल के लिए कर लें, सही है, 7.5%, और क्योंकि जब चाइना से सामान आता है ना तो वो आपसे वैट रजिस्ट्रेशन नंबर और ई और आई नंबर मांगते हैं, तो वो जो ई और आई नंबर होता है वो आपको वैट रजिस्ट्रेशन के साथ ही मिल जाता है। अच्छा, पीएल के लिए ये रिकमेंडेड है कि भाई 7.5% के ऊपर जाया जाए, और होलसेल के लिए रिकमेंडेड है कि भाई 20% के ऊपर जाया जाए। उसकी वजह 20% आप HMRC से वापस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब 25 सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे हम लोगों ने 25 के ऊपर भी 20% दिया है और सोर्सिंग के ऊपर भी 20% दिया, ठीक है। तो जब हम लोग सोर्सिंग के ऊपर भी देंगे और सेलिंग प्राइस के ऊपर भी देंगे तो हम लोग तो डबल डबल फी पे कर रहे हैं,
डबल डबल टैक्सेस पे कर रहे हैं जो कि हैं बन जाते हैं 40%, तो उसमें से हम लोग 20% क्लेम बैक करते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास ये बनता है 5 pounds, ठीक है, और सोर्सिंग प्राइस पे हमारे पास 2 है, तो जो अमेजोन सेलर मतलब हम लोगों ने 2 pounds जो है वो होलसेलर को दे दिया जो उसने हमारे बिहाफ पे आगे सप्लायर को पे कर चुके हैं, ठीक है। अब 2 pounds जो चला गया लेकिन अमेजोन की तरफ से हमें कितना आया है 5 pounds, ठीक है, तो हम लोगों ने 5 pounds नहीं देना, हम लोग इसको माइनस करेंगे 5 minus और कितना हम पे कर चुके हैं 2, तो हम लोगों ने 3 pounds पे करना। इसको जरा दोबारा समझे, लेकिन 20% वैट है, ठीक है। अब 20% वैट जो है वो हम लोग वापस क्लेम भी कर सकते हैं, 7.5% या 0% पे हम लोग अगर रजिस्टर नहीं होते तो हम लोग वहां पे वो वाला वैट क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन 20% पे अगर हम रजिस्टर हैं तो हम HMRC से अपना वैट क्लेम कर सकते हैं वापस। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आपने प्लस माइनस जब करते हैं ना तो इनफैक्ट आपको ही देना पड़ता है HMRC को, लेकिन वो कम अमाउंट में देना पड़ता है। देखें 20% वैट जो है वो आपने सेलिंग प्राइस पे भी दिया और आपने सोर्सिंग के ऊपर भी दिया, सोर्सिंग प्राइस पे अगर आप होल सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 pounds तो ऑलरेडी चला गया HMRC को हमारे बिहाफ पे कि हम लोगों ने पे कर दिए, अमेजोन की तरफ से हमें 5 pounds आया है, ठीक है, तो हम लोग HMRC को 5 pounds पे नहीं करेंगे, हम HMRC को 3 pounds पे करेंगे जो होगा 5 minus 2, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप ये वीडियो दोबारा देखें, अगर कोई मसला आता है तो यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम, ओके। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।